हेलो दोस्तों, मैं सविता सविताज किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्ता, जो कि फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस नाश्ते को बना लेंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद लगेगा और बड़ों को तो पसंद लगेगा ही दोस्तों। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा 1 कप एक बाउल में, और इसमें हम डाल देंगे नमक और इसे ना हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम आटे के डो के जैसा बना लेंगे, लगा लेंगे आटा। जैसे हम रोटी का नॉर्मल आटा लगाते हैं ना, वैसे ही सेम हम आटा लगा लेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आटा हमने लगा लिया है, अब इसे हम रख देंगे रेस्ट पे। एकदम सॉफ्ट सा आटा मैंने लगाया है, तो देख सकते हैं हमारा आटा भी मतलब सेट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ पहले से कट करके रखी थी, शिमला मिर्चा, प्याज, टमाटर और गाजर, क्योंकि इसे हमें हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्ता बनाना है। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और पैन में डाल दिया है पानी, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और स्वादानुसार सॉरी 1 चम्मच तेल और स्वादानुसार नमक, क्योंकि आटे में भी नमक पड़ा इसमें भी पड़ा है, डालेंगे तो उस हिसाब से हमें नमक डालना। और यहाँ पर मैंने आटे का लोई ले लिया है और बड़ी सी हम रोटी बेलेंगे आटा मतलब लगा के लोई में डस्ट करके, और बड़ी सी हम रोटी बेलेंगे। तो देख सकते हैं रोटी हमने बेल ली और इसका थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला है, तो हमें ज़्यादा पतला नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे मैंने गिलासी ले लिया है, छोटी सी है, आप इसके जगह पे कटर या ढक्कर कुछ किसी चीज़ का ले सकते हैं। छोटी छोटी पूड़ियाँ हमें इसे कट कर लेना है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम नाश्ते को शेप दे देंगे, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप दे दिए हैं मैंने, फटाक से बन गया है फ्लावर जैसा। और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को तैयार कर लेंगे, जितना मैंने आटा गूंथ के रखा है ना उतना सारा हम फटाफट बेल के इसी तरह से कट करके और तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमने सारे आटे को कट करके और इसके हम नाश्ते बना लिए हैं, डिजाइन बन गया है, देख सकते हैं आप। अब हम पानी हमारा उबल रहा था तो पानी में हम उस सारे नाश्ते को डाल देंगे और इसे अच्छे से चला के और ढक देंगे। तो दो मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे, उसके बाद चलाएँगे, क्योंकि हमें इसे उबाल लेना है दोस्तों। तो अब हम इस पर लीड लगा देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों उबल रहा है और एक भी नाश्ता एक दूसरे में चिपका नहीं, आप देख सकते हैं एकदम से अलग अलग है। तो अभी अच्छे से पका नहीं है, तो इसे हम एक बार और 1 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। तो 1 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, तो 1 मिनट के बाद देख रहे हैं कि हमारा नाश्ता बिल्कुल एकदम पक गया है, उबल गया है। तो इसे हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे दोस्तों और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो हमने पैन में तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच से, और इसमें हम डालेंगे राई और सफ़ेद तिल डालेंगे, और इसमें हम डाल देंगे कलौंजी। तो इसे हमें तड़कने देना है। तो हमारा तड़का तड़क चुका है, इसमें हम प्याज को डाल देंगे जो मैंने बारीक कट करके रखा था। तो इसे हम मतलब थोड़ा टाइम हम इसे भून लेंगे, ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। तो इसमें हमें फिर प्याज हमारा हो चुका था भून के तैयार हो चुका था, तो इसमें हमने शिमला मिर्चा और गाजर को भी डाल दिया है, और इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे ताकि अच्छे से पक जाए, तो नाश्ता हमारा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाजर और हमारा शिमला मिर्चा भी पक चुका था, तो हमने इसमें डाल दिया था टमाटर और नमक साथ में, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए, नमक डालने से ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद देख सक रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो ये मैश हो रहा है, मतलब ये पक चुका है टमाटर हमारा। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, बहुत ज़रा सा डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और हींग डालेंगे, और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच से मैगी मसाला। तो मैगी मसाले से ही हमारा बहुत टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा दोस्तों। और इसमें हम डाल देंगे फिर वापस मतलब चिली फ्लेक्स डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स। अब इसमें हम सारे नाश्ते को डाल देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा मतलब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नाश्ते को डालकर, और इसे हम ना 1 मिनट के लिए ढककर रखेंगे ताकि मसाले अच्छे से नाश्तों में मिक्स हो जाए। तो 1 मिनट के बाद देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें हम धनिया स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से, तो धनिया का पत्ता हमने डाल दिया और चला लिया है दोस्तों।
और बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है नाश्ता, हेल्दी सा, टेस्टी सा दोस्तों। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, बच्चे मैगी और पास्ता भूल जाएंगे, इसके आगे यही आपको बनाकर देना पड़ेगा। बहुत टेस्टी लग रहा है दोस्तों, हमारे बच्चे को तो बहुत पसंद आया, तो टिफ़िन में भी लेके जाते हैं हमारे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और हेल्दी का हेल्दी और फटाफट बन भी जाता है दोस्तों। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और बच्चों के लिए बनाकर टिफ़िन में ज़रूर देना दोस्तों, बहुत यम्मी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, बाय बाय।